तो वहीं नेपाल के तन्हू जिले के अबू खैबेनी क्षेत्र में एक भारतीय यात्री बस नदी में गिर गई। दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों में 14 शव बरामद किए गए हैं और 16 घायल यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया है। ये बस पोखरा के मझेबी रिसोर्ट में ठहरे भारतीय यात्रियों को लेकर काठमांडू की ओर रवाना हुई थी। हादसे के समय बस में भारतीय यात्री सवार थे। स्थानीय पुलिस और बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य भी शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा। प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक उपाय किए हैं और राहत कार्य को प्राथमिकता दी है। इस दुखद घटना ने स्थानीय समुदाय और यात्रियों के बीच चिंता और शोक की लहर है। प्रशासन और बचाव दल इस हादसे की सभी परिस्थितियों की गहराई से जांच कर रहे हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता भी प्रदान की जा रही है।